तो हेलो फ्रेंड, न्यू टॉपिक के साथ न्यू वीडियो। यहाँ पर देख सकते हो कि गाइस मेरे पास एक DPM एमरजेंसी लाइट 7102B का एक PCB बोर्ड है, जो कि मैंने पिछला वीडियो में मैं सर्किट डायग्राम के बारे में फुल डिटेल्स मैंने आपको जानकारी दी थी। तो गाइस आज हम उसका जो जानकारी का आज कंप्लीट वायरिंग आज करने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो जो हमने डायग्राम बनाया था, डायग्राम के हिसाब से आज उसका कनेक्शन वायरिंग कनेक्शन करने वाले हैं। तो चलिए गाइज वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास एक स्विच है। तो चलिए सबसे पहले हमें स्विच से स्टार्ट करते हैं। तो स्विच में मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो गाइज एक S1 लिखा हुआ है, यहाँ पर S2, यहाँ पर S3 लिखा हुआ है, और एक येलो कलर का वायर S में A है। चलिए मैं इसमें दिखा देता हूँ और वायरिंग करता हूँ। आप देख सकते हो जो ये SM जो लिखा हुआ है, ये स्विच का येलो कलर है। यहाँ पर देख सकते हो स्विच का जो कनेक्शन S1 S2 S3 यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए गाइस सबसे पहले हम इसे सोल्डिंग करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो हमने जैसा आपको बोला था वैसा ही वायरिंग कनेक्शन कर दिया। यहाँ पर देख सकते हो इस स्विच का मैंने कनेक्शन कर दिया। उसके बाद गाइज चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हो जो ये हमारा हेडलाइट बल्ब है, तो चलिए उसका डिटेल मैं देता हूँ। जो मैंने दिया था ये जो L1, ये उसका नेगेटिव है जो ब्लैक कलर वायर है, और यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव देना होगा। तो चलिए मैं सोल्डिंग करता हूँ सबसे पहले। ये हो गया L1 बल्ब का। यहाँ पर एक देना होगा यहाँ पर हमें। चलिए मैं सोल्डिंग कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो बल्ब का कनेक्शन मैंने जैसा बोला था वैसा ही कनेक्शन कर दिया। यहाँ पर देख सकते हो L1, ये हमने L+1 पर ये पॉजिटिव को कनेक्शन कर दिया। उसके बाद गाइस आता है हमारे पास एक जो यहाँ पर जो थ्री वायर लगा हुआ है, थ्री वायर का कनेक्शन करने वाले हैं। यहाँ पर आपको L- ये देखने को मिल जाता है, इसका ये नेगेटिव है। यहाँ पर हमें दोनों वायर अभी उसका जो बल्ब का कनेक्शन करना है, जो मैंने पिछला वीडियो मैंने जो डायग्राम दिखाया था उसके हिसाब से हमें यहाँ पर कनेक्शन करना है। तो गाइस मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आगे भी सर्किट डायग्राम की वीडियो मिलने वाली है। तो चलिए मैं इसको अब सोल्डिंग कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो हमने उसका बल्ब का कनेक्शन अभी कर दिया। उसके बाद गाइस यहाँ पर B-, यहाँ पर B+ है, ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये बैटरी का नेगेटिव जो हमने जो वीडियो में बोला था। तो चलिए गाइस इस दोनों को अब सोल्डिंग करते हैं।
उसके बाद ही उसका लाइट का टेस्टिंग करेंगे। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो हमने जो बैटरी का कनेक्शन भी, ये बैटरी देख सकते हो 4 वोल्टेज 1.5 एम्पीयर का बैटरी हमने सोल्डिंग कर दिया। उसके बाद चलिए उसका टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो उसका हेडलाइट, चलिए ये देख लो गाइस, एक बार ये दो जल गया, ये ऑफ हो गया एक। चलिए आगे की तरफ ये हेडलाइट का ये देख लो, एक जल गया अब दो।